भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नया भारत नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उदयपुर और आसपास के गांवों में जागरूकता के लिए वाहन रवाना किए गए। इस मुहिम को साकार करने के लिए आरोग्य सेवा संस्था और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने यह पहल की है। बुधवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने नशा मुक्त जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ताराचंद मीणा ने बताया कि समाज में तेज रफ्तार से फैलते नशे को खत्म करने और इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आरोग्य सेवा संस्था द्वारा नशा मुक्त जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर शहर और आसपास के गांवों में भेजा गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मानधाता सिंह ने कहा कि नशे रूपी बीमारी को खत्म करने के लिए विभाग द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं और अब इनमें आरोग्य सेवा संस्था का भी सहयोग मिला है। पार्टी अध्यक्ष नरपत सिंह चौहान ने बताया कि हमारे देश का उज्जवल भविष्य युवाओं पर टिका हुआ है और देश की युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर जाएगी, इसे सुनिश्चित करना होगा। आरोग्य संस्थान द्वारा नशा मुक्ति का वाहन अभी हमने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये जिले में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता पैदा करेगा और विशेषकर युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, नशे से दूर रहें। नशा एक सामाजिक बुराई है और जन जागरूकता की दृष्टि से संस्थान का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। के तहत आज कलेक्टर परिसर में श्रीमान ताराचंद जी मीणा जिला कलेक्टर द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके अंतर्गत नशा मुक्ति जागरूकता वाहन आज उदयपुर जिले के विभिन्न शहरों के विभिन्न तहसीलों के अंदर ग्रामों के अंदर जाकर युवाओं को नशे के विरुद्ध प्रेरित करेगा, ताकि जो समाज के अंदर आज जो नशा दीमक की तरह फैल रहा है और दीमक की तरह जो समाज को खोखला कर रहा है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। आज हमें ज़रूरत है तो जागरूक होने की कि नशा जिस तरीके से समाज में और युवाओं को कहीं ना कहीं खोखला करता जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे उदयपुर शहर के लिए और हमारे समाज के लिए बड़ा दुखदायक हो सकता है।